आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, जब भी व्रत रखते हैं कुछ ना कुछ खाने का तो मन कर ही आता है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे और थोड़ा एनर्जी वाला हो, जिससे आपको एनर्जी मिले, इस ड्राई फ्रूट पाक को आप बना के रख लीजिए और 9 दिन तक आप आराम से इसको इंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि काजू है, बादाम और नारियल है और मक्खन है। सारे सेम क्वांटिटी में ही लेने हैं। और अब हम कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, इसको गर्म होने देंगे। और देखिए, अब हम इसके अंदर काजू और बादाम दोनों को एक साथ हल्का सा लो फ्लेम पर इसको सेक लेंगे, मतलब भून लेंगे। इससे भूनने से क्या होता है, काजू और बादाम के अंदर जो सीला सीलापन होता है वो भी चला जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें क्रंच भी बढ़ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए, काजू और बादाम भुन चुके हैं, थोड़ा सा हमने नारियल भी इसमें कट करके डाल दिया है। स्लाइसेस में कट किया हुआ डाल सकते हैं या आप चाहो तो ग्रेट किया हुआ भी डाल सकते हैं। तो उसको भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब देखिए, थोड़ा सा हमने ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाला है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे। तो देखिए, ये हो चुका है। अब इन सभी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए, इसी कढ़ाई को हमने फिर से क्लीन कर लिया। अब हमने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड किया है और अब हम इसके अंदर मखाने डालेंगे। मखानों को भी हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। मखाना घी बहुत सोख करते हैं, आप इसे कम घी के अंदर ही आप इसे बनाइएगा। जितना भी आप घी डालोगे ना, मखाना सारा सोख कर लेता है। तो इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा क्रंच ना आ जाए। तो देखिए, हमने मैश किया, ये अच्छे से हो रहा है, तो मतलब ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको भी हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से क्रश कर सकते हैं या इसको खलबत्ते में डाल के क्रश कर सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के क्रश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, जिससे कि ये क्रश एकदम से बारीक नहीं होंगे, जैसे हमें चाहिए वैसे ही होंगे। क्योंकि हमने काजू और बादाम को 2-2 पीसेस में कट किया है ना, तो देखिए इस तरीके से इसको भी हमें ऐसे ही क्रश करना है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी किसी भी चीज़ को। तो देखिए, नींबू तो सभी इससे निचोड़ते हैं, इसमें हल्का सा आप प्रेस कीजिए और दबा दीजिए, तुरंत क्रश हो जाता है। तो इस तरीके से आप करिए, मखाना बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे मखाने को हम क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, मखाने सारे क्रश हो चुके हैं हमारे। और अब हम दोनों चीज़ों को साइड कर देते हैं, क्योंकि बादाम और काजू भी अच्छे से ठंडा हो चुका है और मखानों को भी हमने क्रश कर लिया। अब हम फिर से वही कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हमने 1 कटोरी हमने शक्कर ऐड की है। शक्कर देखिए बिल्कुल साफ वाली होनी चाहिए। और अब हम इसमें जितनी हमने शक्कर लिया उसका आधा हम पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे इसको कंटिन्यू हाथ चलाते हुए शक्कर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, क्योंकि हमें इसकी अच्छी सी चाशनी बनानी है, गाढ़ी बिल्कुल थिक, जैसे कि जैसे हाथ में थोड़ी चिपचिपी लगनी चाहिए, और एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए आपको दिख रहा है ना, 1 by 1 ड्रॉप गिर रही है उसकी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमें चाशनी बनानी है। अब देखिए बिल्कुल एक तार बन रहा है ना, अब मैं फिंगर में लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अब ये देखिए बिल्कुल एक तार खींच रहा है। तो हमें बस इतनी ऐसी ही चाशनी बना के तैयार करनी है। तो देखिए, अब ये चाशनी बन चुकी है, हमने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब हम फ्लेवर के लिए इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट सेक के रखे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही हम मखानों को भी इसमें डाल देंगे। तो अब हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस समय हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना, फटाफट से हमें मिक्स कर देना और गैस की फ्लेम को हमें थोड़ा स्लो ही रखना है। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो चाशनी और थिक होती जाएगी, तो ये एकदम बिखरी बिखरी हो जाएगी। इससे लो फ्लेम पे हमने कर दिया है इसको और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब ये अच्छे से कोट हो जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद अब हम इसको थाली के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए, हमने थाली को पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है और अब हम इसके ऊपर सारा निकाल देंगे और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये काफ़ी गर्म होता है, इसलिए हमें अच्छे से करना है ध्यान से, अगर हाथ वगैरह पर लग जाता है तो स्किन जल जाती है। तो ये देखिए, इसको हम अच्छे से फैला देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, ये हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ऊपर से हम थोड़ा सा और इसके ऊपर डेकोरेट करने के लिए हम इसमें पिस्ता ऐड कर दिए, जिससे कलर थोड़ा ऐड हो जाए इसमें। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको कट करेंगे।
तो अब देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम कट करेंगे। आप चाहो तो इसको कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, या फिर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप वैसे करिए, बहुत ही ईजी रहता है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े हैं, कट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपने इसको निकाल लिया और छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से इसको कर देंगे, जिससे कि आप इसको जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का व्रत में, तो आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत टेस्टी है, और एनर्जी आपको फुल एनर्जी मिलेगी इससे। तो एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ओके, बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।